प्रदेश में सत्ता परिवर्तन का असर स्कूली शिक्षा पर भी लगातार दिखाई दे रहा है। जहां पिछली भाजपा सरकार ने सत्ता में आते ही महापुरुषों की जीवनी, इतिहास और स्कूल के पाठ्यक्रम बदल दिए थे, वहीं हाल ही में सत्ता में आई कांग्रेस सरकार इस विषय पर दोबारा समीक्षा कर रही है। दरअसल पिछली सरकार ने स्कूल की किताबों में अकबर महान के पाठ्यक्रम को बदला था और साथ ही साइकिल वितरण योजना में भगवा रंग की साइकिल वितरित की थी। और इसके अलावा पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से जुड़े कुछ अंशों को भी हटाया गया था और सरदार पटेल की तस्वीर छापने पर भी विवाद हुआ था। इसी के चलते कांग्रेस सरकार ने इन परिवर्तनों के खिलाफ शिक्षाविदों की कमेटी बनाई है। इन बदलावों को लेकर शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि ये प्रक्रिया पूरी तरह से निष्पक्ष है। भाजपा सरकार में आरएसएस की विचारधाराओं को जोड़कर पाठ्यक्रम में बदलाव किया था, लेकिन हमने शिक्षाविदों की कमेटी बनाकर पाठ्यक्रम में बदलाव किया है। पहले भाजपा सरकार थी, उसने शिक्षा विभाग को प्रयोगशाला बना रखा था। आरएसएस के इशारे के ऊपर वो ही पाठ्यक्रम में जोड़ते थे जो उनकी राजनीतिक हितों की पूर्ति करता था। मैं समझता हूँ ऐसा नहीं होना चाहिए। जो इतिहास है उसको पढ़ाया जाना चाहिए। हमारे चाहे महात्मा गांधी जी का आज़ादी के इतिहास में योगदान हो, चाहे अन्य महापुरुषों का आज़ादी दिलाने में योगदान हो, जो जवाहरलाल नेहरू जी का, इंदिरा जी का, राजीव गांधी जी का, अटल बिहारी वाजपेयी जी का, मनमोहन सिंह जी का, जो प्रधानमंत्री रहे उनका अपना योगदान था, सरदार पटेल का अपना योगदान था, मतलब सब चीज़ें जो थी उसको एक करके केवल वीर सावरकर का को महान बताने की, उनकी दीनदयाल उपाध्याय को महान बनाने की उनकी जो सोच थी, मैं समझता हूँ वो ठीक नहीं।